social change and factor affecting social change. What is social change? Social change implies a change in social structure in the form of size of the society, its composition, and the type of social institution maintained by it. It includes social changes brought about by psychological factor like attitudes and mode of behavior, pattern of thinking, and general aspiration, beliefs, and tradition. Social change कहने का मतलब है कि सोसाइटी में अगर चेंज होता है, अगर सोसाइटी के साइज में चेंज होता है, सोसाइटी के कंपोजिशन में चेंज होता है, एंड टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय इट. जैसे पहले सोसाइटी ज्वाइंट फैमिली का हुआ करता था, अब सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट आए हैं. तो ये जो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आया, ये एक रिजल्ट है सोशल चेंज का. सोशल चेंज के कारण इंसान के सोचने के तरीके में चेंजेस आता है, इंसान के एम्स बदलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बदलते हैं, पहनने का तरीका बदलता है. सोशल चेंज हर प्रकार के इस तरह के चेंजेस लाते हैं. अब है कि सोशल चेंज किन फैक्टरों के कारण होता है. तो फर्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर. सर्टेन ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस सोशल कंडीशन. इन द सेम कंट्री डिफरेंट एरिया अफेक्ट बाय डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन विच हैपन टू अकर देयर. द स्टेट ऑफ आंध्रा इन इंडिया मे बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स एंड द स्टेट ऑफ बंगाल मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थक्वेक. एग्रीकल्चर इन इफिशियंसी और फूड शॉर्टेज में मेक द पीपुल मोर मोबाइल एंड एडवेंचरस एज कम्पेयर टू दोज हु आर सेल्फ सफिशियंट. ज्योग्राफिकल फैक्टर जो होता है वो भी सोशल चेंज का एक कारण है. अगर देश के किसी भाग में सूखा पड़ रहा है तो वहां के लोग किसी और जगह में शिफ्ट होंगे, और अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है तो वहां के लोग कहीं और शिफ्ट होंगे. अगर जो प्लेस एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट है, वहां पे एग्रीकल्चर के साधन कम है, तो वहां से लोग वैसे जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां पे रहने की सुविधा हो या खेती करने के साधन हो. तो इस तरह के इनएफिशिएंसी के कारण सोशल चेंज आता है. नाउ द सेकंड पॉइंट, एनवायरमेंटल फैक्टर. Environmental factors such as newly built cities, industrialization, urbanization also affect social condition. For example, in certain parts of the country, there is a brisk movement between the rural and urban population. This has urbanized villages as well. अब environmental factor है, वो कैसे social change को लाता है? Environmental factor, अगर कोई ऐसा नया शहर है जहां पे नया शहर बना है, नई सड़कें बनी है, नए इंडस्ट्री को बसाया गया है, तो वहां पे लोगों का बहुत ज्यादा सोशल लाइफ अफेक्ट होगा. फिर वहां जहां पे गांव है और वहां पे रहने की सुविधा कम है, तो लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट होंगे. तो गांव का पॉपुलेशन कम होगा और शहर का पॉपुलेशन ज्यादा होगा. तो ये क्या करेगा, एक तरह से सोशल चेंज को लाएगा. माइग्रेशन. माइग्रेशन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल एज वेल एज क्लाइमेटिक फैक्टर. एंड अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर कॉजेज पीपल टू मूव टू न्यू प्लेसेस एंड न्यू एनवायरमेंट. India's partition and Bangladesh war stand a living example of the social change due to migration. Migration social change का बहुत बड़ा factor है. अब ये migration environmental factor के कारण भी हो सकता है, climatic factor के भी कारण हो सकता है, earthquake, natural hazards, war सभी प्रकार के से हो सकता है.
अगर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो लोग वैसे जगह में जाना पसंद करेंगे जहाँ थोड़ा बहुत ठंड है, और जो ठंड बहुत ज्यादा ठंड प्रदेश में रह रहे हैं वो चाहेंगे कि वैसे प्लेस में आए जहाँ के टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो, कि रहने में सुविधा हो। अर्थक्वेक, भूकंप, जहां सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वे वैसे क्षेत्र में जाना पसंद करें जहां पे भूकंप कम आए, अकाल पीड़ित वो कम हो। तो ये भी सोशल चेंज इसके कारण आता है। वॉर सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जाम्पल है माइग्रेशन का। वॉर के कारण बहुत ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वार। वार इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन द सोशल चेंज। वार डिस्ट्रॉय द एज ओल्ड कन्वेंशन, अफेक्ट्स द इंटरपर्सनल रिलेशन, इकोनॉमिक, सोशल, मेंटल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल अंडरगो मस्ट चेंजेस। वार जो होता है वो सोशल चेंज में बहुत बड़ा पावरफुल फैक्टर है। वार के कारण सदियों से चली आ रही परंपरा टूट जाती है, लोगों के आपस के संबंध बदल जाते हैं। वार के कारण इकोनॉमिक, सोशल, मेंटल, पॉलिटिकल सभी तरह के चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंसिडरेबली अफेक्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपुल। एज लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज विद इन कंट्रोल, एस्टैब्लिश द सोशल ऑर्डर फेसेस नो थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन और द पीपुल फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड एंड सर्टेन अदर कंट्रीज एडेड टू द पॉपुलेशन देयर एंड अफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंट्रीज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सोशल चेंज के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो यहाँ से लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, जिससे इंडिया के जो इकोनॉमिक कंडीशन में भी अफेक्ट आते हैं। और इंटेलेक्चुअल पर्सन जो इंडिया को डोनेट करेंगे अपने एजुकेशन को, वो इंडिया को सप्लीमेंट नहीं करके दूसरे देशों को करते, जिसे हम लोग आमतौर पर भाषा में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ये भी एक सोशल चेंज का कारण होता है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑल्सो ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। पीपुल मूव फ्रॉम द फार्म टू फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम कंट्री साइड टू बिग इंडस्ट्रियल सिटीज एंड टाउन्स। दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, स्लम्स, ओवरवर्क, पॉपुलेशन लो वेज एसेट्रा। अब है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे सोशल चेंज लाता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सोशल चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले लोग कंप्यूटर नहीं चलाते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे, एग्रीकल्चर के इतने साधन नहीं थे, तो वहां उस टाइम लोगों के रहने का तरीका, सोचने का तरीका कुछ अलग हुआ करता था। अब लोगों के सोचने का तरीका अलग है। जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो वो अपने रहने के तरीके में बहुत सारे बदलाव लाते हैं। या जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज है, वहां से लोग शहर की तरह रोजगार की तलाश में आगे जाते हैं। फिर लोगों के घरों के बनावट में भी चेंजेस आते हैं। नए पैटर्न के घर बनते हैं, नए तरह के गैजेट्स लोग यूज करते हैं। लोगों पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, साइंटिफिक चेंजेस के कारण जो काम कंप्यूटर करते हैं वो बहुत सारे लोगों के, पहले लोग मैनुअल करते थे, तो यहाँ पे 5 लोगों का काम कंप्यूटर कर दे रहे हैं, तो लोगों में रोजगार के अवसर की कमी आ रही है। तो ये भी सोशल चेंज का कारण बनते हैं। लोगों को कम आमदनी होती है। नेक्स्ट, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। द बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज स्प्रेड देयर विब्स अक्रॉस द सोशल होरिजन। फॉर एग्जाम्पल, रूसोज आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन। इन द सेम वे, गांधीज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस
रूटेड द ब्रिटिश आउट ऑफ देयर फीट इन इंडिया. आइडियोलॉजिकल चेंजेस कैसे हमारे सोसाइटी में सोशल चेंज आता. महात्मा गांधी का अहिंसा की नीति ब्रिटिश सरकार के पांव को भारत से निकालने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई. रूसो के लिबर्टी एंड इक्वालिटी के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया.